कॉनकॉर्डिया शिप डिजास्टर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल अनसुनी कहानियां पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना कॉनकॉर्डिया शिप डिजास्टर के बारे में, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरी और सच्ची रोचक कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है क्रूज शिप कॉस्टा कॉनकॉर्डिया की, जिसे प्रसिद्ध कंपनी कॉस्टा क्रूजेस द्वारा बनाया गया था, जो कि एक इटालियन क्रूज लाइन है जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी। अब चलिए जानते हैं एक जहाज के डूबने की एक बेहद रोचक कहानी, जो टाइटैनिक की घटना के बाद शायद सबसे प्रसिद्ध शिप डिजास्टर होगा। कॉस्टा कॉनकॉर्डिया पहला कॉनकॉर्डिया क्लास क्रूज शिप था। जहाज 30 जून 2006 को कॉस्टा को डिलीवर कर दिया गया। कॉस्टा कॉनकॉर्डिया वैसे तो एक बेहद कमाल का क्रूज शिप था, लेकिन ये और भी प्रसिद्ध तब हुआ जब 13 जनवरी 2012 को टिरहेनियन सी में ये एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें लगभग 32 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, कॉस्टा कॉनकॉर्डिया एक बेहतरीन जहाज था जिसकी ऊंचाई लगभग 290 मीटर थी। इसमें एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, जिसमें 6-12 सिलेंडर वाटसिला डीजल जनरेटिंग सेट्स थे, जो कुल मिलाकर 76 मेगावाट तक का आउटपुट निकालते थे। यही मुख्य जनरेटर्स पूरे जहाज में पावर सप्लाई करते थे, चाहे वो प्रोपल्शन मोटर्स को चलाए हों या फिर होटल में लाइटिंग और एयर कंडीशन करना हो। इस जहाज में 2 21 मेगावाट के भारी भरकंप इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रोपेलर्स के साथ मौजूद थे। इसकी निर्धारित रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। ये काफी बेहतरीन डिजाइन वाला जहाज था, जो सभी सुविधाओं से पूर्ण था। इसकी असली रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा तक मापी गई थी। अब ये काफी बेहतरीन जहाज होने के साथ सुरक्षाओं से पूर्ण भी था, लेकिन फिर भी ये कैसे दुर्घटना का शिकार हुआ, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी 2012 को, जब कॉनकॉर्डिया इटली के सिविट वेचिया से रात 7:18 पर निकल चुका था। उस समय इस जहाज पर 1023 क्रू मेंबर्स और 3206 पैसेंजर्स थे। जैसे ही कॉनकॉर्डिया गिगलियो द्वीप की ओर बढ़ा, तभी कुछ घंटों बाद वह अपने रास्ते से भटक गया और एक छोटे से टस्कन द्वीप की ओर जाने लगा। एक मार्टाइम सल्यूट के लिए, जो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जहाज का हॉर्न बजाना होता था, और इस प्रक्रिया को कॉनकॉर्डिया अक्सर किया करता था। अब जहां ये जा रहा था, इस इलाके को पत्थरों के लिए जाना जाता था, जिसे खुद जहाज के रास्ते में महसूस किया गया। अब आपको बता दें कि भले ही जहाज की दिशा को हेल्म द्वारा ही मोड़ा गया था, लेकिन वो अभी भी गलत दिशा में था, क्योंकि कॉनकॉर्डिया के रास्ते को बदलने का आदेश कैप्टन शेटिनो द्वारा दिया गया था, लेकिन भाषा की समस्या के चलते इंडोनेशियाई हेल्समैन ने जहाज को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। जहाज का ऊपरी हिस्सा तो सुरक्षित रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश जहाज का पिछला हिस्सा चट्टान से रात 9:45 पर टकरा गया। ब्रिज पर हुई कंफ्यूजन के कारण असंगत आदेश तो दिए गए, लेकिन वो भी दुर्घटना को रोक नहीं पाए। कॉनकॉर्डिया शिप एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हो गया था जिसका शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा। कॉनकॉर्डिया की बाएं तरफ 53 फीट का छेद हो गया। क्रू मेंबर्स ने पूरा प्रयास किया कि वे इस घटना को समझ पाए और इटालियन अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दे पाए। 9:52 पर मुख्य इंजीनियर और इलेक्ट्रिक अफसर ने जहाज के इमरजेंसी डीजल जनरेटर को शुरू करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। जल्द ही यात्रियों को भी बता दिया गया कि जहाज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हार्बर मास्टर को भी यही जानकारी दी गई थी। जब पता किया गया तो सामने आया कि इंजन रूम के साथ 5 कंपार्टमेंट्स पानी में बह रहे हैं। अब क्योंकि इंजन ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए जहाज को भी चलाया नहीं जा सकता था। एक छोटे से गलत निर्देश और दिशा की अदला बदली में एक बेहद भयंकर घटना घट चुकी थी। जहाज की स्थिति और हवा के कारण ये द्वीप की ओर ही बढ़ने लगा। अब क्योंकि दिशा बदल चुकी थी, इसलिए इसे बचाना और भी आसान था। इन सब के चलते जहाज स्टार पोर्ट की तरफ झुकने लगा और डूबता हुआ कॉनकॉर्डिया जल्दी ही किनारे पर अटक गया। इस समय में एक फंसे हुए पैसेंजर ने इटली में मौजूद अपनी बेटी से संपर्क किया और 10:14 पर कोस्ट गार्ड ने जहाज से संपर्क किया और कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि यात्री किसी समस्या में हैं। तब इस पर जहाज के कैप्टन ने जवाब दिया कि हाँ, वो एक समस्या में तो फंस गए हैं, लेकिन हम हालात का पता लगा रहे हैं। 10 मिनट बाद कोस्ट गार्ड ने फिर जहाज को संपर्क किया और तब कैप्टन के आदेश पर उन्हें यह बता दिया गया कि जहाज एक समस्या से जूझ रहा है,
लेकिन उन्होंने केवल इसके लिए टग बोट्स की मांग की। रेडियो ऑपरेटर ने ऐसा ही किया, साथ ही ये भी कह दिया कि सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट्स दे दिए गए हैं। किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है और जहाज के बाएं तरफ जहाज को काफी नुकसान हुआ है। 10:33 पर जनरल इमरजेंसी अलार्म बजा दिया गया और जहाज में मौजूद सभी यात्रियों को मास्टर स्टेशन में जाने का आदेश दे दिया गया और अगले निर्देश तक वहीं रुकने को कहा गया। 10:39 के आसपास पहला रेस्क्यू वेसल आखिरकार पहुंच गया। जहाज की स्थिति अब काफी बिगड़ चुकी थी और उसे काफी नुकसान भी पहुंचा था। पानी के बहाव और जहाज पर कोई कंट्रोल ना होने के कारण जहाज पानी में डूबता ही जा रहा था। धीरे धीरे 10:48 तक जहाज पहाड़ी चट्टान के सहारे 30 डिग्री से भी ज्यादा झुककर अटक गया। इसके बाद कैप्टन को एहसास हो गया कि जहाज एक बड़ी समस्या में फंस चुका है जिसका निकलना अब जरूरी हो चुका है। कैप्टन शेटिनो ने जहाज की परिस्थितियों और समस्याओं का अध्ययन करते हुए 10:54 पर जहाज को छोड़ने का आदेश दे दिया। कैप्टन के आदेश मिलने के बाद ही जहाज में मौजूद यात्री लाइफ बोट्स में जाने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि जो यात्री जहाज के दूसरी तरफ मौजूद थे वो तो आसानी से निकल गए और लाइफ बोट्स के जरिए सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन जो लोग जहाज के झुके हुए हिस्से में फंसे थे उन्हें जहाज के झुकाव के चलते निकालना मुश्किल था। बाकी क्रू मेंबर्स और यात्रियों ने पहले ही जहाज छोड़ दिया, लेकिन अभी भी लगभग 300 लोग दुर्घटनाग्रस्त जहाज में बुरी तरह फंसे हुए थे। आधी रात तक कई यात्री जहाज पर फंसे हुए थे और कई जहाज के खुले हिस्से में तड़प रहे थे। 12:42 पर रिकॉर्ड हुई बातचीत में कोस्ट गार्ड कमांडर ने कैप्टन को आदेश दिया कि वो जहाज पर वापस जाए, लेकिन कैप्टन ने उनके आदेश का पालन नहीं किया और किनारे पर आ गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जिसमें 25 पेट्रोल बोट्स, 14 मर्चेंट वेसल्स और कई हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, उसमें सुरक्षित रूप से 4,194 लोगों को जहाज से निकाल लिया गया। सुरक्षित यात्रियों को पास के ही गिगलियो द्वीप पर पहुंचा दिया गया जिसमें पहले से ही 1,000 तक की स्थानीय जनसंख्या थी। 14 जनवरी को 6:17 पर सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। जो लोग सुरक्षित निकल पाए थे वो तो खुद को काफी खुशनसीब समझ रहे थे, लेकिन जो जहाज में फंसे रह गए उनके मरने के बाद उनका मृत शरीर भी नवंबर 2014 तक नहीं मिला। आप इससे समझ ही सकते हैं कि यह घटना कितनी दुखद और भयानक थी। जहाज की एक गलत दिशा के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से लोग घायल हुए और 32 लोगों की तो मौत हो गई। अब इस पूरी घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो कैप्टन ही था जो उस समय जहाज पर मौजूद था, क्योंकि उनके ही गलत दिशा के आदेश देने और कोस्ट गार्ड को पूरी और सच्ची जानकारी ना देने के कारण शिप के साथ ऐसी दुखद घटना घटी। इन सब कारणों के चलते कैप्टन शेटिनो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सभी चीजों को देखते हुए और उनकी भूमिका को परखते हुए ये सामने आया कि इस घटना के वे एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें मैनस्लॉटर और गलत नेविगेशन के लिए सजा हुई। बाद में कॉनकॉर्डिया को सीधा करने का फैसला कर लिया गया और स्टील स्ट्रक्चर्स की सहायता से उसे आखिर सीधा कर लिया गया, और फिर सामने आया कि दूसरा झुका हुआ हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस घटना से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोस्टा कॉनकॉर्डिया के हर एक हिस्से को अलग करके उसे पूरी तरह जुलाई 2017 को डिसमेंटल कर दिया गया। तो ये थी कोस्टा कॉनकॉर्डिया की बुरी और सच्ची कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। धन्यवाद।